गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 21 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, जो कि पूछ रहा है इंडियन लेपर्ड के बारे में। कल ही मैंने आप लोगों को प्रिलिम्स के लिहाज से इंडियन लेपर्ड को पढ़ाया था, और आप लोगों को पता ही है एनवायरमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो स्पीशीज़ पर ही आते हैं। तो इनका बिहेवियर कैसा है, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। फिलहाल देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। देखिए, पहली जो स्टेटमेंट है वो लेपर्ड के बारे में बता रही है कि एक सोशल एनिमल होता है जिसको ग्रुप में रहना पसंद है। क्या ये बात सच है गलत है वो मुझे बताइए। दूसरी स्टेटमेंट कहती है दे आर नॉट फाउंड इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि ये मैनग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सुंदरबन के अंदर ही मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं तो वहाँ पर नहीं मिलते, और ये डेजर्ट में भी पाए नहीं जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट कहती है दे आर एक्सक्लूसिव एंड नॉक्टूरल एनिमल, यानी कि ये एक्सक्लूसिव होते हैं और ये नॉक्टूरनल है। नॉक्टूरनल क्या होता है, जो रात को जागते हैं, रात में अपना रहना पसंद करते हैं। एक्सक्लूसिव कौन होगा, जो थोड़ा सा बेसिकली किसी के साथ ज़्यादा रहना सहना पसंद नहीं करता होगा। तो स्टेटमेंट वन जो है वो स्टेटमेंट थ्री के साथ में हम थोड़ा सा देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट वाली स्टेटमेंट है। जल्दी से मुझे आंसर जो है आप लोग बता दीजिए, यहाँ पर चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर होने वाला है। फिलहाल अगर मैं आप लोगों को आंसर बताऊं तो देखिए आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि आसान सवाल था ना, लेपर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लायन की बात नहीं कर रहे हैं। लायन होता है जिसको प्राइड में बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद होता है, इट्स नॉट लेपर्ड। लेपर्ड एक बहुत ही शर्मीला सा जानवर होता है, अकेला रहना पसंद करता है, उसको सोलिस्टिक जो लाइफ है वो पसंद आती है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि एक ही गलत है। तो हम देखते हैं कि चार ऑप्शंस में से एक ही ऐसी स्टेटमेंट थी जो कि टू एंड थ्री की, यानी दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। दूसरी कैसे हो जाती है, ये बात बिल्कुल सच है कि ये मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर नहीं पाए जा सकते। मैनग्रोव में क्यों नहीं पाएंगे, सोचिए जरा। मैनग्रोव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो पानी के किनारों के ऊपर आते हैं। इवन ये तो पेड़ भी वही होते हैं जिनकी जड़ें ऊपर आई हुई होती हैं, यानी ये पानी के अंदर होते हैं। तो ये लेपर्ड पानी में रह ही कैसे सकता है, ये कोई स्नेक थोड़ी ना कि इसकी एक अलग से वैरायटी है। लेपर्ड है भाई, कैट फैमिलीज के अंदर सबसे छोटा ये क्या है, बिग कैट फैमिलीज जो होती है उसमें सबसे छोटा कैट फैमिली के उससे रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। लायन इसमें आते हैं, चीता आते हैं, तो लेपर्ड है। इसको क्या है, भागना पसंद है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, इसकी शिकार करने की क्षमता ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसको तो ग्रासेस वाला, और वो भी जहाँ पे थोड़ा बहुत लंबा जो ग्रास लैंड होगा वही तो रहना पसंद आएगा ना, तो ये कैसे यहाँ पर रह सकता है। इसी वजह से ये कौन से एरिया में रहता है, रेनफॉल फॉरेस्ट के अंदर ज़्यादा रहता है। तो रेन फॉरेस्ट जो होते हैं जहाँ पर बारिश वगैरह ज़्यादा आती है, या फिर, और ये भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिक्स में ही मिलता है, यानी कि आप इसको यूरोप के अंदर या फिर जो टेम्परेट रीजन है या नीचे का रीजन है उसमें नहीं देख पाएंगे, ट्रॉपिक्स में ही आपको मिलेगा ये। या जो डेसीडियस भी यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं उसमें भी ये क्या मिलता है, मिल जाता है। डेसीडियस जो अपने पत्ते वगैरह छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी होने कहाँ पर चाहिए, फॉरेस्ट के एरिया के अंदर और ट्रॉपिकल के एरिया के अंदर ही होने चाहिए, यानी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के बीच में। एक्सक्लूसिव है, नॉक्टर्नल बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में बिल्कुल ठीक साबित होती हैं। अभी कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो मैंने आपको बताया कि कहाँ मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी कैंसर ऊपर की तरफ होगी, यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकलेगी, तो इसी भाग में मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, ये पर्शिया के अंदर मिलता है, पर्शिया यानी कि आज का ईरान। इंडियन लेपर्ड है जो कि होता है पार्डुस फुस्का नाम से, इसका जो नाम है एक्चुअली में साइंटिफिक नेम है। अमूर लेपर्ड को हम देख पाएंगे, नॉर्थ चाइनीज लेपर्ड है, इंडो चाइनीज लेपर्ड है, जावा आइलैंड से जावियन लेपर्ड है जो कि डार्क ब्लैक कलर का दिखाई देता है, श्रीलंकन लेपर्ड यहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर रहने वाला लेपर्ड है, और अरेबियन लेपर्ड है। तो ये केवल और केवल इन्हीं हिस्सों तक क्या है, सीमित है।
फिलहाल नेक्स्ट आर्टिकल बताता है बांग्लादेश के बारे में, कैसे बांग्लादेश में 105 लोगों की डेथ हो चुकी है, टीवी वगैरह हर चीज़ को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, और बांग्लादेश के अंदर जो जेल है उसको भी यहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने तोड़ दिया है। ऐसा क्या हो गया और क्यों बांग्लादेश के अंदर इतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं कि ऐसी घड़ियाँ आ गई हैं। देखिए वैसे तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसमें इतना ही बताया हुआ था, हालांकि हम आगे जाकर इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स, उनकी कंट्री में क्या हो रहा है हमें आईआर के नज़रिए से या अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के नज़रिए से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ज़्यादा गहराई में घुस कर यहाँ 20 मिनट उन पर देने की कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। इसकी जगह अगर मैं आप लोगों को सच में आप लोगों का फ़ायदा करवाना चाहती हूँ तो क्या पढ़ाना चाहिए, आईआर के नज़रिए से मुझे दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस करवा देने चाहिए। अब हम जानते हैं कि मोस्टली जो आईआर के क्वेश्चन आते हैं मेंस में वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड आते हैं, राइट। तो जब हम पूरे साल में ज़्यादा नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन एक कंट्री के साथ हमारे कोई न्यूज़ आ जाती है, उसके साथ अगर मैं आप लोगों को आईआर के पूरे वो करवाती रहूँगी और नोट्स आपके साथ में शेयर करती रहूँगी टेलीग्राम के ऊपर, तो इससे क्या होगा, आपका आईआर कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको अलग से कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर में, कोई अलग से वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी, कोई अलग से आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ से आपका हर दूसरे तीसरे दिन में एक कंट्री के साथ में रिलेशंस जो हैं वो कवर होते चलेंगे। तो चलिए लेट क्यों करना है, हम जरा अच्छे से इसको आईआर के नज़रिए से भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आर्टिकल समझ लेते हैं जो कि कहता है कि अगर ट्रंप दोबारा से आते हैं तो न्यू दिल्ली के लिए क्या क्या ज़रूरतें होंगी। ट्रंप की बात हो रही है, वैसे हमने प्रेसिडेंट की, क्योंकि इलेक्शन और ट्रंप आजकल छाए हुए हैं, उनको असेसिनेशन करने की भी पूरी पूरी कोशिश की गई थी लेकिन वो बच गए हैं और फाइट 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 के 3 बार नारे देते हैं, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि अब माना जा रहा है कि इन्होंने पॉलिटिक्स का जो पूरा का पूरा एक सिनेरियो था उसको बदल के रख दिया है। फिलहाल आप फोटो के अंदर में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे, उनके साथ खड़ी है या उनकी वाइफ मेलानिया ट्रंप, उनके साथ में वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो लड़ने वाले, अगर ये प्रेसिडेंट बनेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट ये बनेंगे, ये है जेडी वेनस और इनकी वाइफ है उषा चिलकुरी वेनस, तो ये हम देख पाएंगे इन लोगों को। और इनके बारे में यही बोला जा रहा है कि देखिए ट्रंप जो होने वाले हैं वो एक्चुअली के अंदर में कई मायनों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्गली अगर दिल्ली के साथ में देखें तो एक तो इंडिया के साथ में इनके रिश्ते ठीक रहेंगे क्योंकि ये चाइना के काउंटर में, रशिया के काउंटर में है। हालांकि इंडिया सब किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, इंडिया इससे डायरेक्टली कोई मिलिट्री यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो नहीं ले रहा या मिलिट्री एंगेजमेंट ज़्यादा नहीं कर रहा है, क्योंकि चाइना को हम लोग कहीं ना कहीं नाराज़ भी नहीं करना चाहते। तो ये जो सबको खुश रखने वाली हमारी जो पॉलिटिक्स है ना, वो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर इतनी पसंद आए, लेकिन इंडिया के लिए इतना ज़्यादा ये नुकसानदायक भी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इनको भी तो चाइना और रशिया को काउंटर करके रखना है, तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा संबंध तो नहीं बिगाड़ने वाले। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हमारी जो माइग्रेशन होता है यहाँ पर इंडिया से जो लोग काम करने के लिए जाते हैं उस पर इनकी थोड़ी सी सख्त आवाज़ हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करने वाले हैं, आकर फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज करने वाले हैं। लेकिन हमें कैसे पता ये फॉरेन पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि ये बार बार डिबेट्स कर रहे हैं ना, बार बार बता रहे हैं अपने देश के नागरिकों को कि आपको मुझे प्रेसिडेंट क्यों बनाना चाहिए और मैं क्या क्या बदलाव लेकर आऊँगा। तो ये यही सारी बातें कर रहे हैं कि मोस्टली हम 4-5 जगहों पर ज़्यादा बातें करेंगे, डेमोक्रेसी इंटरवेंशन वगैरह क्या होगा, आइडियोलॉजिकल ही हम कैसे रहेंगे, इवन ये काफ़ी ज़्यादा जो चाइना के साथ में जो संबंध है उनके ऊपर भी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप भी, साथ में यहाँ पर वेनिस भी। तो अगर इनकी जोड़ी जो कि रिपब्लिकन पार्टी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, अगर ये जीत जाते हैं तो हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक ये न्यू दिल्ली के फेवर में ही बात रहेगी, क्लाइमेट एंड एनर्जी के साथ में भी हम देखेंगे। हालांकि ट्रंप वगैरह को इतना ज़्यादा जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसी वजह से उन्होंने क्या कर लिया था, अपने आप को यूएन के पेरिस क्लाइमेट से भी पीछे खींच लिया था, लेकिन फिर जो बाइडेन आते हैं तो वापस से उसमें एंगेजमेंट अपनी करते हैं। अब देखते हैं आगे अगर ये जीत जाते हैं तो क्या क्या नई चीज़ें हमारे लिए सामने आएंगी। फिलहाल अगर आप लोगों को ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी पीपीटी चाहिए या फिर हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी जो ये वीडियो है इसी के कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या डायरेक्टली भी आप इस हैंडल से जाकर सर्च कर सकते हैं।
अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर इम्पोर्टेंट आर्टिकल। मैं नहीं मानूंगी क्योंकि कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं बांग्लादेश में। कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट एक्चुअली के अंदर में एक बिल लेकर आई थी, और बल्कि वो बिल को एक्ट बना भी दिया था। अब इस एक्ट के तहत में जिन्होंने भी बांग्लादेश के लिए फ्रीडम फाइटर की तरह यहाँ पर क्या की थी, लड़ाई करी थी पाकिस्तान से अलग होने के लिए, उनको और उनके परिवार के जनों को यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर 30% रिजर्वेशन देने की बातें की गई कि ठीक है, इन लोगों का बड़ा योगदान है 1971 के अंदर, तो हम इनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं। लेकिन कुछ कारणों की वजह से क्या हो गया कि ये बिल और जो ये एक्ट था इसको वापस सरकार की तरफ से ले लिया गया। अब इसी पे जो फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से यहाँ पर लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि ये तो गलत बात है, हमारा बिल नहीं लेना चाहिए था, हमने भी इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, डेमोक्रेटिक इसको कंट्री हमारे जो फोर फादर वगैरह थे उन्होंने बनाया है, तो ये तो गलत बात है। अब क्या होता है कि दूसरी तरफ से हमेशा दंगे कभी एक तरफ से नहीं फैलाए जाते हैं। हाँ, किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो दोनों तरफ से लोग यहाँ पर खड़े हो गए। अब जिनका नुकसान हो रहा है वो तो यही लोग हैं, दूसरे जिनका थोड़ा सा फ़ायदा भी नहीं कह सकते हैं, इन द सेंस जस्ट वो क्या है, बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर में थोड़ा सा एक बुरा हम कह सकते हैं कि दौर होता है, जो कि किन की वजह से आता है, वो आता है राजा कर्ज की वजह से। अब ये जो राजा कर्ज थे ना, जो कि एक ग्रुप है यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में, पोपल पीपल्स की खुद की कम्युनिटी है, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान का उस समय पे साथ दिया था। अब क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो यहाँ पर बांग्लादेश के लोगों के अंदर इनके प्रति कोई बहुत अच्छी संवेदना वगैरह तो नहीं है, भावना अच्छी नहीं होंगी, ऑब्वियसली बात है। बड़ी आज तक के बहुत सारे युद्धों के बारे में आपने देखा होगा, अभी यूक्रेन रशिया भी चल रहा था, आपको पता है 1971 के वॉर के अंदर में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा लगभग 30 मिलियन लोगों के, सॉरी 30 लाख, यहाँ पर आएगा 3 मिलियन होगा, 30 लाख जो लोग हैं उनकी डेथ हुई थी, उनको मार दिया गया था, ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड बताते हैं। तो कितनी बड़ी मात्रा में ये सब कुछ हुआ, और जब ऐसी जगहों पर कोई राजाकर नाम के देश के ही वहीं पर रहने वाले लोग अगर उनको, उन्हीं देश के लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तो गुस्सा तो लोगों का लंबे समय तक फटेगा ही। हम हमारे पार्टीशन को नहीं भुला पा रहे हैं, हमारे साथ में जो हमारा जब बंटवारा हुआ था उस पे जो जो कहानियाँ थी वो आज तक लोगों को जो जो उस समय पे जिए थे आज भी डराती हैं, तो ये कैसे उसको भूल सकते थे, राइट। तो ये सारी कहानी थी इस पूरे के पूरे जो ये प्रोटेस्ट है इसके पीछे। अब ये लोग जो हैं ये भी प्रोटेस्ट में कूद गए, और जो फ्रीडम फाइटर के थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी लिहाज में स्टूडेंट बॉडी वगैरह भी है, और ये सब प्रोटेस्ट के अंदर अभी चल रहा है। अगर बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट देखें तो चलिए वो समझ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते क्या हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आगे कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि बांग्लादेश जो है, फिलहाल बांग्लादेश के अंदर लगभग 170 मिलियन की पॉपुलेशन है जो कि वर्किंग एज ग्रुप के अंदर आती है। 15 से 64 एज ग्रुप का जो पॉपुलेशन होती है उसको वर्किंग पॉपुलेशन या फिर अडल्ट पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं इनमें से 25% ऐसे पॉपुलेशन है जो कि 15 से 29 की एज ग्रुप में आते हैं, यानी कि अभी इनके साथ काम करने का बहुत सारा समय है इनके पास जीवन में, और ये काम करेंगे भी और बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी बेहतर बनाएंगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी चाहिएगा। अब क्योंकि ये लड़ाई सारी के सारी रिजर्वेशन की है, लड़ाई सारी के सारी यहाँ पर जॉब से रिलेटेड है, तो बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक जो है उसका डाटा बताता है कि बांग्लादेशी डेली प्रथम एलो जो है वो लगभग यहाँ पर 1.8 मिलियन से 1.9 मिलियन यंग पीपल्स को जॉब मार्केट एवरी ईयर नई बनती जा रही है। अब क्या और भी कोटा है? ऑब्वियसली कोटा तो अभी भी और भी होगा। हम देखते हैं कि 30% जो कोटा था वो फ्रीडम फाइटर्स के अगर हम हटा भी दें तो इसके अलावा भी 10% यहाँ पर कोटा है वुमन के लिए जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आती है। उसके बाद में 5% आता है यहाँ पर मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, जो कि ठीक बात है, इतना होना ही चाहिए। फिर 1% आता है यहाँ पर कोटा जो कि होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और टोटल ये सारी चीज़ें अगर मिला दी जाती हैं तो लगभग यहाँ पर 56% का कोटा हो जाएगा अगर ये कोटा भी क्या हो जाता है, लागू हो जाता है दोबारा से।
अब ऐसी स्थितियों में जो दूसरे लोग हैं उनको बुरा लग रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं वो स्टेबिलिटी दिखाती है, स्थिरता दिखाती है, गारंटेड इनकम आती है आपके पास में, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। तो उस वजह से जो बहुत सारे ये जो राजकार्स पे थे, क्योंकि इनको ऐसा कोई कोटा नहीं मिल रहा है, तो ये भी विपरीत में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, इनको भी नहीं मिलना चाहिए। तो ये इस चक्कर में क्या हो रही है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। फिलहाल हम आते हैं हमारे लिए क्या काम की चीज़ है, हम देखते हैं हम इसके जो रिश्ते हैं इंडिया के साथ में वो कैसे रहे हैं। देखिए रिश्ते जो है हमारे, क्योंकि हमें पता है कि दिसंबर 1971 के अंदर बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान होता था, तभी से हमारे रिश्ते की फाउंडेशन बांग्लादेश के साथ में पड़ गई थी। और इसका कारण भी यही है कि इंडिया पूरा पूरा सहयोग दे रहा था बांग्लादेश की लिबरेशन की जो वॉर थी उसके अंदर। हमने यहाँ की जो पूरी की पूरी आर्मी थी, लोग थे, उनको ट्रेन किया था, मुक्ति बोहिनी उनका नाम था, इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर लीड कर रही थी और साथ में बांग्लादेश के खड़ी हुई थी। अब इसके बाद इतना सब होने के बाद भी हम देखते हैं कि मिड 1970s के अंदर में इंडिया के प्रति थोड़ा सा लोगों का सेंटीमेंट बदल गया था, एक एंटी इंडियन सेंटीमेंट देखने को बहुत मिला। इसका कारण था बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर और जो यहाँ पर वोटर से लेकर शेयरिंग की बात हो रही थी उन कारणों की वजह से। अब वोटर शेयरिंग मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है तिस्ता रिवर, और इम्पोर्टेंट रिवर है जो बांग्लादेश में जाती है गंगा रिवर, और इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा रिवर है। तो ये इतनी सारी नदियाँ हैं और ऑब्वियसली पहले क्योंकि ये इंडिया में एंटर करती हैं, और अगर इंडिया यहाँ पर डैम बना लेता है इनके ऊपर में और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है जो कि हिमालय से आ रही हैं, तो बांग्लादेश तक जो वोटर होगा वो कम पहुँचेगा। बांग्लादेश तक अगर वोटर कम पहुँचेगा तो बांग्लादेश में क्या होगा, फार्मिंग वगैरह पर इसका इम्पेक्ट पड़ेगा, राइट। तो इसी वजह से ये झगड़े ऐसे हैं यहाँ पर बॉर्डर के वजह से, जिसकी वजह से 1970s के मिड के अंदर में 75-76 में शेयरिंग ऑफ वोटर को लेकर क्या होने लगा, इंडियन एंटी सेंटीमेंट्स इमर्ज करने लगे। इंस्टेबिलिटी जो थी वो कुछ डिकेड्स तक रही, कुछ दशकों तक रहती है ऐसे ही। फिर जैसे ही शेख हसीना पावर में आती हैं 1996 के अंदर एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो एक नया चैप्टर हमारे बायलेटरल टाइज के अंदर में लेकर आती है और वो करती है ट्रीटी ऑन शेयरिंग ऑफ गंगा वोटर, यानी कि गंगा के वोटर को हम शेयर करेंगे और उसकी एक ट्रीटी बनाई जाती है। अब सिंस उससे लेकर इंडिया एंड बांग्लादेश जो है उन्होंने और भी कोऑपरेशन किए, ट्रेड में, एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, डिफेंस, ये सारे के सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर हम और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट को उसके बाद में देख पाते हैं। तो अगर अच्छे रिश्तों की बात करें तो देख पाएंगे कि लगभग 1996 के बाद में हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे रहे। हालांकि आज भी छोटी मोटी तो तकरार तो होती ही रहती है, खास करके तीस्ता रिवर के वोटर को लेकर, लेकिन ओवरऑल स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अब हम देखते हैं कि हमारी टाइज हम देख चुके हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो बायलेटरल ट्रेड जो है इंडिया और बांग्लादेश का वो लगातार यहाँ पर ग्रो कर रहा है, तो स्टीडली ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर कल को आपके प्रीलिम्स के सवाल में स्टीडली ग्रोथ दिखाई दे जाती है और ओवर वन डिकेड पिछले एक दशक से, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट होगी क्योंकि लगातार ग्रोथ हो रही है ना। बांग्लादेश जो है वो एक्चुअली के अंदर में इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है साउथ एशिया के अंदर में, क्या वर्ल्ड में, नहीं वर्ल्ड में नहीं बना है, साउथ एशिया के अंदर में बना है। यहाँ का जो बायलेटरल रिलेशंस हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो बायलेटरल ट्रेड है वो लगभग $ 18 बिलियन तक का हो चुका था ऑलरेडी 2022-2023 के अंदर में। हालांकि 2022-23 में और जो 2020-21 का टाइम था उसमें थोड़ी सी कमी आई थी क्योंकि COVID-19 आ गया था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हो गया था, लेकिन आज भी बांग्लादेश का इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है एक्सपोर्ट के मामले की बात करें तो, क्योंकि इंडिया के अंदर में 2 बिलियन से ज़्यादा क्या होता है एक्सपोर्ट बांग्लादेश करता है अपनी चीजों का, काफी ज्यादा ये है। 18 बिलियन का हमारा टोटल ट्रेड होता है एक साल के एनुअली, उसमें से 2 बिलियन ज्यादा का एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश कर रहा है। तो बांग्लादेश हमें पता है टेक्सटाइल वगैरह ज़्यादा अच्छे करते हैं, कपड़े बहुत बनाते हैं, एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है आफ्टर चाइना, तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं।
अब 2022 में ही दोनों नेशंस ने एक जॉइंट फिजिबिलिटी स्टडी भी करवाई थी, जो कि थी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सीपा के नाम से। तो इन्होंने अग्रीमेंट किया इसके बाद में, और सीपा जो है वो एडिशनल सिग्निफिकेंट दे देता है बांग्लादेश को, क्योंकि इसमें इससे क्या हो गया था कि सीपा की वजह से जो स्टेटस हटा था लीस्ट डेवलप कंट्री का बांग्लादेश के ऊपर, वो स्टेटस उसको 2026 में दोबारा से दे दिया जाएगा। और यहाँ पर ड्यूटी फ्री जो मार्केट है इंडिया की, उसका एक्सेस बांग्लादेश कर पाएगा इस अग्रीमेंट के तहत में। बांग्लादेश अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया के साथ में करने की, और बहुत सारी ऐसी चाइना बैक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो इस काम में ऑल्सो परशू करने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश, कि दोनों जो मेरे बड़े बड़े यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ऊपर चाइना हो जाता है, इधर इंडिया हो जाता है, यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश चाहता है कि मैं यहाँ भी बिना कोई टैक्स दिए, बिना कोई ड्यूटी दिए अपना सामान भेजूँ, इतनी बड़ी मार्केट है चाइना की, मस्त मेरे को फ़ायदा होगा। ऐसे ही इंडिया में चाहता है, तो इंडिया में भी। लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ ने अभी तक ऐसा कोई जो अप्रोच है वो इस पर साइन नहीं की है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2010 से ही इंडिया ने लगभग बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, यानी कि कर्ज दिया है $7 बिलियन तक का। अब ये क्यों दिया है? ताकि उनके यहाँ पर अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कोई मेट्रो वगैरह आ जाए, कोई और जो काम बनाना चाहते हैं वो सब हो जाए। तो इंडिया एंड बांग्लादेश जो है वो सक्सेसफुली अपने लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज़ वगैरह उन पर काम कर रहे हैं, जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके बाद मैरीटाइम डिस्प्यूट जो था टेरिटोरियल वाटर के ऊपर, उसके ऊपर भी यहाँ पर जो अग्रीमेंट है वो हुए हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश ने 2023 में मिलकर यहाँ पर अंकुरा अगरताला रेल लिंक को भी क्या किया है, एक्चुअली के अंदर में इनॉग्रेट किया है। तो अंकुरा अगरताला जो रेल लिंक है वो बांग्लादेश को जो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा है हमारा उससे कनेक्ट कर देती है, यानी ट्रेन के अंदर में आप क्या कर सकते हो, बांग्लादेश के अंदर जा सकते हो। दैट्स अ गुड थिंग आई गेस, ये एक अच्छी दोस्ती की निशानी थी। लिंक जो है इसकी वजह से क्या होगा, जो इंडियन है उनको चटोंग ग्राम और जो मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश का, वहाँ तक जाने की एक्सेस हो जाएगा। और ज़्यादातर जो इंडिया का कार्गो होने वाला जो ट्रेड है, बेसिक इसका ये नहीं है कि आदमी इधर से उधर चले जाए, बेसिक इस रेल जो लिंक बनाया गया है इसका मकसद यही है कि जो कार्गो होता है उसकी मूवमेंट ढंग से हो पाए। ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्ट करेगा, डेवलपमेंट असम में भी होगा, त्रिपुरा में भी होगा, क्योंकि वहाँ से कोई चीज़ जा रही है तो वहाँ के लोग भी उसमें इंडल्ज होंगे। इसके अलावा बीमस्टेक का, जो कि बे ऑफ बंगाल का हम देख पाते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है, वहाँ पर भी मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बनाया गया है, जिसमें जो मेजर ट्रांसपोर्ट है प्रोजेक्ट है इंडिया के, बांग्लादेश के और म्यांमार, थाईलैंड, इन सब का शिपिंग नेटवर्क हमें क्या करना है, बना देना है। इंडिया फोकस कर रहा है मतबारी पोस्ट पे, जो कि त्रिपुरा से लगभग 100 किलोमीटर तक का दूर है और जो कि बांग्लादेश के द्वारा ही बिल्ड किया जा रहा है। एनर्जी में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ में अच्छी अपनी जो पार्टनरशिप है वो दिखा रहे हैं। बांग्लादेश लगभग 2000 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया से अभी भी लेता है, तो ये एक अच्छी बात है। 2018 में रशिया, बांग्लादेश एंड इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑन कोऑपरेशन को भी साइन किया था, जिसमें जो रॉपचूर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम किया जाएगा। और ये जो रॉपचूर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर रिएक्टर होने वाला है। ये क्या कर पाएंगे, इससे न्यूक्लियर की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने देश के अंदर बना पाएंगे। डिफेंस में हम क्या करते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो हमें अपनी आर्मी की जो एक्सरसाइजेस की जाती है वो याद रखनी पड़ेंगी, इतना करीबी हमारा देश है। दूसरा, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया और जो बांग्लादेश है वो सबसे बड़ी, इंडिया का अगर सबसे बड़ा किसी के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है तो बांग्लादेश के साथ ही होता है। ये लगभग 4096 यहाँ पर आएगा, 4096 किलोमीटर तक का जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री इंडिया अगर किसी कंट्री के साथ में, अपने नेबर के साथ में अगर शेयर कर रहा है, तो कौन कौन सी स्टेट हमारी लगती हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम का भी कुछ भाग लगता है यहाँ पर, मेघालय और त्रिपुरा, तो आप लोगों ने देखा ही कैसे रेल लिंक बन रहा है, तो इसका मतलब वो भी लगता है। तो हम देख पाएंगे कि 5 ऐसी स्टेट है जो इसके साथ में अपने बॉर्डर को शेयर करती हैं। इसके अलावा हमारी 2 एक्सरसाइजेज होती हैं, जॉइंट एक्सरसाइजेज, 2 कौन कौन सी होती है, एक होती है आर्मी की एक्सरसाइज
और आर्मी की जो एक्सरसाइज होती है उसको बोला जाता है संप्रीति, तो संप्रीति एक्सरसाइज के नाम से जानी जाती है। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है नेवी की एक्सरसाइज। अब ये जो नेवी की एक्सरसाइज है ये जानी जाती है बोंगो सागर के नाम से, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे नेपाल के साथ हम क्या करते हैं सूर्य किरण एक्सरसाइज, सूर्य किरण, तो ऐसे ही हमारे जो जो भी नेबर्स हैं जिनके साथ हमारी एक्सरसाइज होती है मिलिट्री को लेकर, वो याद रखनी हो। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन भी है, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो रीजनल कोऑपरेशन मल्टीलेटरल फोरम्स के दौरान जुड़े हुए हैं सार्क के ऊपर, जैसे कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बिमस्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यहाँ पर बनाती है। बात करें IORM की, जो कि IOR या आयोरा भी उसको बोल सकते हैं, ये है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, तो इन सब में बांग्लादेश जो है वो भाग निभाता है। फिर टेंशंस क्या क्या है, वही है रिवर वाटर्स को लेकर टेंशन होती रहती है पानी को। फिर इलीगल माइग्रेशन इट्सेल्फ इज़ अ टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज़, क्योंकि इशू जो है इलीगल माइग्रेशन का बांग्लादेश से इंडिया में आने का, वो दोनों ही जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इकोनॉमिक माइग्रेंट यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ्यूजीज आ जाते हैं, जो कि इंडिया के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंसर्न है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें बांग्लादेश की। इसी वजह से इंडिया ने अपना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC भी बनाया, जिसमें ऐसे माइग्रेशंस को कब किया जा सके, ये बांग्लादेश में कुछ कंसर्न दिखा रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया सपोर्ट करे, खासकर म्यांमार को मनाने के लिए, कि रोहिंग्यास जो हैं उनको वो वापस ले ले, क्योंकि रोहिंग्यास रिफ्यूजीज बांग्लादेश में आ गए थे म्यांमार से, और अब वो बांग्लादेश भी उनको थोड़ी थोड़ी कोशिश करता रहता है कि इंडियन की बॉर्डर स्टेट्स में चला जाए, क्योंकि उनका खाने पीने का या उनको रखने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इसके अलावा ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह, ट्रैफिकिंग वगैरह इंडिया में होती रहती है। कई ऐसे इंसिडेंट हमने देखे हैं क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स स्मगलिंग के, ट्रैफिकिंग के, सेम ऐसा ही आजकल पाकिस्तान की तरफ से भी होता है। स्पेशली चिल्ड्रन और जो वुमन है उनकी ट्रैफिकिंग ज़्यादा की जाती है, एनिमल्स की, बर्ड स्पीशीज़ की, उनको पॉच किया जाता है, तो ये बॉर्डर के थ्रू ये सारी घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ रहा है, ये भी एक समस्या है। एट प्रेजेंट बांग्लादेश जो है वो एक एक्टिव पार्टनर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, चाइना की जो ब्री इनिशिएटिव है, इंडिया उसका भाग नहीं बनाता है। तो चाइना की जो इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट है बांग्लादेश के साथ में, वो एक पोटेंशियल जो इंडिया की रीजनल स्टैंडिंग है उसके साथ में हम देख पाएंगे कि साथ में तो दिखाई नहीं देती है। क्या क्या करना चाहिए, देखिए हमें एक जॉइंट टास्क फोर्स वगैरह बना लेनी चाहिए ताकि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो एक साथ मिलकर काम करें और ये जो क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसको रोका जा सके। दूसरा, हमें इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन को शेयर करना चाहिए दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ में, ताकि जो इलीगल नेटवर्क ऑपरेशन करते हैं उनको डिस्टर्ब किया जा सके। इसके अलावा स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस भी लाए जा सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज़ किया जा सके, और डिजिटल कनेक्टिविटी कॉरिडोर बना सकती हैं दोनों कंट्रीज़, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, डिजिटल सर्विसेज हो, ई कॉमर्स हो, इवन क्योंकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी अभी क्या बन चुका है, डिजिटल गुरु बन चुका है। सबसे ज़्यादा हमने बहुत एडवांसमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ जो इकोनॉमिक पार्ट है, इन टर्म्स ऑफ जो हमने जैसे UPI बनाया है, भारत पे बनाया है, तो ये सारी चीज़ें काम करें, ये हम आगे बढ़ सकते हैं दोनों देशों के बीच में, और ज़्यादा इससे जो रिश्ते होंगे वो गहरे होंगे। फ़िलहाल एक आर्टिकल है जो कि हमारे लिए एक्चुअली में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो GS Paper 3 के अंदर में इंटरनल सिक्योरिटी में ही ड्रग्स का ये मामला है। आप लोगों को इसलिए समझाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैजिक मशरूम की बात की जा रही है। अभी एक मशरूम है एक प्रकार का, जिसके अंदर जब आप उसको खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपके जो ब्रेन है उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक्चुअली के अंदर में रिसेट होने लगता है, और 3-4 घंटों तक आपके जो न्यूरोन सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक सबसिस्टेंस होता है जो कि होता है पिल्सोसिबिन। तो ये जो सबसिस्टेंस है ये ऐसा करता है, ये और क्या करता है, इसकी वजह से हेलुसिनेशंस भी होते हैं। हेलुसिनेशंस यानी कि जो चीज़ है नहीं लेकिन फिर भी वो चीज़ आपको हो सकता है कि दिखाई दे रही हो आंखों के सामने, तो ऐसी घटनाएं होती है रिसर्च का मानना है। लेकिन रिसर्च अभी जो की गई है उसकी ये भी फाइंडिंग है, जो कि अभी जर्नल के अंदर में एक नई स्टडी छापी गई है,
जर्नल नेचर जो है उसमें कहते हैं कि देखिए इसकी वजह से जो ह्यूमन ब्रेन होता है हफ्तों तक उसके जो कुछ भाग हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते। ये ठीक बात है कि 2-4 घंटे के बाद में आप लोग हो सकता है कि होश में आ जाए या 5-10 घंटे के बाद में आ जाए, लेकिन हफ्तों तक सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन आर नॉट गोइंग टू वर्क, एंड ये होने वाला है सिर्फ और सिर्फ इस सब्सटेंस की वजह से। तो ये एक चीज़ है जो कि मोस्टली हर एक ड्रग्स की वजह से होती ही है। तो खैर इतनी सी ये बात थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि है कर्नाटका की तरफ से हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है पावर सप्लाई फर्म्स को, क्योंकि उनकी वजह से जो हाथी हैं उनका इलेक्ट्रिक्यूशन हो जा रहा है। तो कर्नाटका के जो हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस ने मिलकर इन लोगों को बोला है, और इन्होंने सुओ मोटो यहाँ पर कॉग्निजेंस लिया था हाई कोर्ट की तरफ से कि खुद से अपनी जो प्रोसीडिंग है वो की थी। रीज़न क्योंकि एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल था जिसमें पता चला कि 2023 के अंदर में 28 ऐसे एलिफेंट्स थे जिनकी डेथ हो चुकी है इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से, यानी करंट लगने की वजह से। अब ये जो लास्ट डेथ हुई थी ये हुई थी नागर होल टाइगर रिजर्व के अंदर में, तो इसी वजह से क्योंकि कर्नाटका के अंदर ये है, और अगर इतने प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर ही 11 साल का एलिफेंट अगर मर सकता है तो फिर वो वाइल्ड में कैसे जिएगा, या तो बहुत गलत बात है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम तो इनका संरक्षण करने के लिए इनको रख रहे हैं और फिर हम ऐसी हरकतें करते हैं, तो दैट इज़ बैड। दैट्स वाई कर्नाटका जो हाई कोर्ट है वो अलग अलग कंपनियों को भी, और जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपनियाँ वगैरह हैं जैसे कि इसमें आता है कर्नाटका पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, इन सभी को जिम्मेवार फिलहाल के लिए ठहरा रहे हैं और इनको नोटिस भेजा जा रहा है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट की। तो देखिए मोर देन जो 60% एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन है वो एक्चुअली में इंडिया में ही पाई जाती है। जैसे टाइगर जो होते हैं ना उनको लगभग एक्सटिंक्शन का खतरा होता है कि वो बिल्कुल ख़त्म होने वाले, विलुप्त होने वाले, लेकिन एशियन जो एलिफेंट जो हैं एक्चुअली में उनको रखा तो गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 के अंदर ही कि मैक्सिमम इनको क्या देनी है, सिक्योरिटी देनी है, लेकिन इनको जो ग्रेजुअल रिडक्शन है ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी विलुप्त होने वाले, नहीं, ये क्या हो रहे हैं ग्रेजुअली धीरे 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 ख़त्म होते जा रहे हैं। इनका नंबर्स जो है वो ना इंक्रीज़ हो रहे हैं और ना एकदम से यहाँ पर 100 से 10 हो रहे हैं, धीरे धीरे ड्रास्टिकली कम हो रहे हैं। इनका जो हैबिटेट है उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है इसी वजह से। इसके अलावा पोचिंग वगैरह या जो इनका लैंड है उसको यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखाती हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर इनकी रक्षा करना। खासकर जो आप इनके खूबसूरत दो दांतों को देख रहे हैं, इनको आइवरी बोला जाता है, और ये जो आइवरी होता है इसी की वजह से इनका शिकार किया जाता है, इनको मारा जाता है, इनकी पोचिंग की जाती है। इंटरनेशनल मार्केट में इसके जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो खैर अभी हम देखेंगे कि इंडिया ने ऐसा क्या क्या किया है और क्या क्या जो इंडिया है वो कर सकता है। बात करें कर्नाटका से रिलेटेड तो कर्नाटका के भी कुछ फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी। कर्नाटका में इंडिया के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स को हम देख पाएंगे जो कि लगभग यहाँ पर 6,000+ की मात्रा में है। उसके बाद में कौन आता है, सेकंड स्टेट यहाँ पर आती है असम। असम में भी काफ़ी यहाँ पर है जो कि लगभग 5,700 के अप्रोक्सीमेटली है, और उसके बाद आता है केरला जो कि अगेन यहाँ पर 5,600 से 5,700 के बीच के अंदर में इनके नंबर्स हमें मिलते हैं तीनों स्टेट के अंदर में। तो ये काफ़ी जो है वो चीज़ है कि कौन से उसके अंदर हमें ज़्यादा एक्चुअली के अंदर में मिलते हैं। फिलहाल इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि हाथी जो होते हैं वो वर्ल्ड में 2 प्रजाति के पाए जाते हैं, एक होते हैं एशियन एलिफेंट जो कि एशिया में मिलता है, दूसरा होता है अफ्रीकन एलिफेंट जो कि अफ्रीका में ज़्यादा मिलता है। इनको अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट भी बोला जाता है और अफ्रीकन सवाना बश एलिफेंट भी बोला जाता है, यानी अलग अलग उनकी भी 2 कैटेगरी है लेकिन काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब इन एलिफेंट्स की बात करें, पहले अफ्रीकन को समझ लेते हैं। तो ये एक्चुअली के अंदर में देखिए ये है अफ्रीकन एलिफेंट, ये है इंडियन हाथी, दोनों में काफ़ी ड्रास्टिक हमें बदलाव दिखाई देता है, राइट। दोनों की जब आप करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे तो ये बहुत ही एक हैवी जो हाथी है वो दिखाई दे रहा है, और ये है बेचारा प्यारा सा छोटा सा जुम्बो लग रहा है हमें कि ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है वो एक्चुअली के अंदर में यहाँ पर पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर लार्जेस्ट लिविंग टेरिस्ट्रियल एनिमल है।
यानी कि धरती के ऊपर रहने वाला सबसे बड़ा जो एनिमल है वो होता है यहाँ पर अफ्रीकन हाथी। हाँ, पानी में हम देखते हैं कि वेल होती है, पानी के अंदर इट इज़ नॉट एलिफेंट। तो हम बात कर रहे हैं टेरिस्टोरियल एनिमल के। अफ्रीकन फॉरेस्ट जो एलिफेंट होता है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है, जो कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका के जो एरिया है वहाँ पर मिलेगा। और अफ्रीका का जो सवानियन एलिफेंट होता है वो सवाना ग्रासलैंड में मिलता है अफ्रीका के अंदर में। IUCN की बात करें तो IUCN से हम देखेंगे कि अफ्रीकन जो एक्चुअली में एलिफेंट है उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, यानी कि प्रोटेक्शन की सख्त इनको ज़रूरत है। इनके कान बहुत बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन या एशियन एलिफेंट। देखिए, हमारे जो हाथी हैं उनके कान आप लोगों ने देखेंगे काफ़ी बड़े लगे होंगे, लेकिन जो अफ्रीकन एलिफेंट है उनके कान और भी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके पूरे यहाँ से लेके सर से ऊपर से लेके और वो जो माउथ होता है वहाँ तक जाते हैं। और बात करें तो इसके अलावा जो एशियन होते हैं एलिफेंट, उनके टू लम्स हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर जो उनके कंधे पे हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जो कंधे होते हैं अफ्रीकन के वो एक्चुअली में इसके कानों के द्वारा क्वार ही कर लिए जाते हैं। इनके बैक के ऊपर डिप होती है, आपने कभी जो कैमल है अगर उसको देखा हो तो उसके भी यहाँ पर ऐसे ही डिप होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो एलिफेंट पाए जाते हैं उनके ऊपर ऐसी कोई डिप दिखाई नहीं देती है। इनके जो शोल्डर होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर बैक, हमारे यहाँ पर उल्टा होता है, शोल्डर थोड़े नीचे हैं और जो बैक है वो ज़्यादा ऊँचा दिखाई दे रहा है। एलिफेंट्स जो होते हैं वो मैट्रियार्कल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, हर हाथी की प्रजाति के अंदर आपको जो फीमेल मिलेगी वो अपने ग्रुप को लेड करते हुए मिलेगी, यानी कि लीडर जो होती है वो हमेशा एक फीमेल एलिफेंट ही पाई जाती है। तो इसी वजह से मैट्रियार्कल हम इसको बोल सकते हैं, जैसे ह्यूमंस में पैट्रियार्की मिलती है कि घर का जो लीडर होगा या ग्रुप का जो लीडर होगा वो कौन होगा, यूजुअली हाउस का जो लीडर होते हैं वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से फादर ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। तो ये एक इनकी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि याद रखने के लायक है। एशियन जो एलिफेंट होते हैं वो एक्चुअली में इंडिया, सुमात्रा एंड श्रीलंका जैसी जगहों पर मिलते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट जिनका साइंटिफिक नेम है लोक्सोडोंटा साइक्लोटिस एंड सवाना के एलिफेंट यहाँ पर हैं, जो कि है लोक्सोडोंटा अफ्रीकना। ये अलग अलग हम अफ्रीका के अलग अलग कंट्रीज़ में देख पाते हैं। हेड की शेप से भी इनको अलग तरीके से देखा जा सकता है, जैसे कि इनकी जो हेड होती है इस पर दो डोम दिखाई देते हैं हमें, राइट, ऐसे दो तरीके से ये बीच में ऐसे है और ऐसे इनकी हेड की आप ऊपर से शेप देख पाएंगे। यहाँ पर इनका जो पूरा हेड होता है वो ऐसे ही होता है, तो इनके यहाँ पर कोई ऊपर की तरफ में दो डोम नहीं है। बात करें एशियन के कान, तो हमें पता ही है कि इनके स्मालर हैं और सेमी सर्कुलर हैं, ये बिल्कुल लार्ज ईयर के होते हैं। साइज़ की बात करें तो जो बिगेस्ट सबसे बड़ा एशियन मेल है वो एक्चुअली में 3.5 मीटर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अफ्रीकन एलिफेंट जो होते हैं वो छोटे भी 4 मीटर तक पहुंच जाते हैं, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि साइज़ जो है वो तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट्स का ही होता है। टस्क यानी कि इनके जो दांत होते हैं, तो एशियन जो एलिफेंट होते हैं उनमें केवल मेल ऐसे होते हैं जिनके हम दांतों को देख पाते हैं, और इनके जो दांत होते हैं उनको एक्चुअली के अंदर में रूडिमेंट्री टस्क भी बोला जाता है, जो कि टशिस के नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीकन में ऐसा नहीं है, अफ्रीकन के एक तो आप देखेंगे कि टस्क जो है उनके सूंड जितने लंबे हैं बहुत लंबे हैं, और इन यहाँ पर दोनों ही मेल और फीमेल दोनों को ही टस्क होते हैं, और ये टस्क एशियन एलिफेंट के टस्क से ज़्यादा बड़े होते हैं। बात करें इनके ट्रंक की, तो इनका ट्रंक आप समझ चुके हैं, इनका जो सूंड होता है उसको ट्रंक बोला जाता है, और इनका जो ट्रंक होता है उसके अंदर में एक हमें फिंगर के तरीके से ऐसे डिस्टिंग्विशिंग जो यहाँ पर कर रही है, इनको डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो क्या मिलती है, एक बोन टाइप हम देख पाएंगे कि हमें मिलती है। तो ये इनके टंग का स्ट्रक्चर है, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट के ऐसी कोई भी यहाँ पर हमें बीच में एक और जो उनको अलग कर रही है वो नहीं दिखाई देती है, बल्कि फिंगर नुमा उंगली नुमा ये क्या कर रहे हैं, दो हिस्से ही उसको सिर्फ अलग करते हैं। जीवन की बात करें, लाइफ स्पैन, तो हम देखते हैं कि लगभग 48 साल की आयु जो है एशियन एलिफेंट अपनी जी सकता है। अफ्रीकन एलिफेंट बड़ा भी है लंबा भी है और 70 साल तक का जीवन भी जी सकता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा जीवन एज़ कम्पेयर टू एशियंस।
IUCN में हम देखते हैं ये भी एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स वन के अंदर रखा गया है, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इनको भी एंडेंजर्ड और क्रिटिकल ही इंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला हुआ है। साइट्स की बात करें जो कि कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ जो ये स्पीशीज़ होती हैं इनके बारे में, तो इन्होंने अपेंडिक्स वन के अंदर रखा हुआ है एलिफेंट ऑफ बोस्तवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इनको अपेंडिक्स नंबर टू में डाला गया है। पॉपुलेशन लगभग एशिया के अंदर में 48 से 50 हज़ार हैं, इंडिया में क्योंकि 60% है तो ऑब्वियसली लगभग यहाँ पर हम देखेंगे कि 28 हज़ार से ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, और 25% जो है वो कर्नाटका के अंदर ही हमें मिलते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स की बात करें तो ये कई ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एशियन एलिफेंट्स। इनकी संख्या 4,15,000 से भी ज़्यादा है, और इनमें से 3.5 लाख जो होते हैं वो बश एलिफेंट पाए जाते हैं जो कि अफ्रीका के सेंट्रल भाग में है। रीजन्स तो एशियन है तो एशिया में ही मिलता है, ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, लयोस, कंबोडिया, अफ्रीकन सेंट्रल अफ्रीका में मिलेगा या वेस्ट अफ्रीका के अंदर में मिलता है। साहेल रीजन जो है ये पूरा का पूरा साहेल रीजन है, इसमें मिल जाता है, माली वगैरह में। तो ये सब इनकी करेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम पहुँच चुके हैं हमारे इकोनॉमी की न्यूज़ की तरफ में। इकोनॉमी के पेज से बात कर रहा है इंडिया के कैपिटल गुड को बढ़ाने की। तो कैपिटल गुड कैसे बढ़ाया जाए इंडिया का, चलिए समझते हैं। देखिए इंडिया जो है एक्चुअली में अभी क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है इलेक्ट्रोलिकल गुड्स के ऊपर में। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, हमें इंडिया को, न्यू दिल्ली को एक्सपोर्ट करना है बाहर चीज़ों को, अपना मार्केट हब बनाना है, ताकि हमारी जो GDP और एज अ डेवलप कंट्री जो हम बनना चाहते हैं उस लक्ष्य को 2047 तक पूरा करें, पहले 100 साल के अंदर बने, GDP को बढ़ाएं। 2030 तक में हमने टारगेट लिया है कि हमारी 3.8 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको यहाँ पर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बना देना, कन्वर्ट कर देना है, और 2047 तक तो हम 15 ट्रिलियन तक के अभी तक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। तो उसी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर में। अभी बात करें तो 2024 में जो हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे वो बहुत बड़ा है, लगभग $115 बिलियन हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्शन किया गया चीज़ों का, जो कि पिछले अगर दशक से देखें तो 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। अब ये 4 गुना ज़्यादा बड़ा है तो इसी वजह से गवर्नमेंट सोच रही है कि हम लोग क्या करेंगे 2030 तक इसको और बढ़ाएंगे, और कितना बढ़ाएंगे, 6 गुना और ज़्यादा बढ़ाकर इसको क्या करेंगे, लगभग और बड़ा बना देंगे। वर्ल्ड में बात करें तो हम देखेंगे कि वर्ल्ड के अंदर लगभग डॉलर यहाँ पर 4 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री है जी, बिल्कुल सुना, इंडिया की पूरी GDP से भी 1.5 गुना ज़्यादा। ये है इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्री की मार्केट, इतनी प्रोडक्शन और इतना पैसा भी इसका हो रहा है। 2030 तक ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होना, GDP होना, और इनका टारगेट है यहाँ पर 6.1 ट्रिलियन का होना। तो टारगेट नहीं है, बेसिकली ये होता हुआ दिखाई दे रहा है एट द रेट ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये सब हो रहा है, इसी वजह से इंडिया को भी क्या करना चाहिए, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन है उसके ऊपर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, और ज़्यादा यहाँ पर जो मौका है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इससे क्या होगा, इंडिया को भी फ़ायदा होगा और इंडिया के जो नागरिक हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है असम की। असम में 700 साल पुराना जो मोयदाम्स होते हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। इसमें 2-3 बातें हैं, खासकर ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो उसी लिहाज से हम देखेंगे बातें क्या क्या हैं वो समझ लेते हैं। देखिए पहली जो है वो ये है कि एक्चुअली में असम के अंदर में होने वाला है वर्ल्ड का, अब इंडिया का सबसे पहले जो यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कन्वेक्शन किया जाना है, कमेटी बनने वाली है, तो वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी है वो यहाँ पर होगी। तो ये जो होने वाली है ये हम देखेंगे भारत मंडपम के नाम से जानी जाएगी। जुलाई 31 तक लगातार आज ये शुरू हो चुकी है और 31 तक ये रहने वाली है, पूरा 1 हफ्ता, और इसी के अंदर जो लगभग हमने 10 साल से दिया हुआ है मोयदाम्स। अब मोयदाम्स क्या है, ब्यूरिड बोलियम्स है, जो अहोम राज्य था वो क्या करते थे, ब्यूरियल्स यानी कि उनके जो
जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उनको क्या बना देते थे, ऐसे ब्यूरियल किया जाता था, दबाया जाता था, दफनाया जाता था। तो उन्हीं को यहाँ पर हेरिटेज स्टेटस की तरह दिलवाने चाहती है अब, क्योंकि इसको जो कमेटी है, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसका 46th सेशन होने वाला है और इसको हेड करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, या कर ही रहे हैं आज से। तो ये क्या करेंगे, ये अब हमें लग रहा है कि शायद ये जो 700 साल पुराने जो मोइडम्स है या जो ब्यूरियल साइट है, इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की उसके अंदर शायद दर्जा जो है वो मिल सके। खैर फिलहाल यहीं पे आज का हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म होता है। आई नो संडे है, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर आर्टिकल आए नहीं है, लेकिन आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। तो खैर फिलहाल के लिए चलते हूँ, तब तक आप लोग भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल फिर से मिलते हैं सुबह 5 बजे, और तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।